हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इजहारुद्दीन। फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे और ये न्यूमेरिकल भी आपका रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ये ऑलरेडी मैं फोल्डर में अपलोड कर चुका हूँ। आप फोल्डर सर्च करिए सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स। फिजिक्स का फोल्डर अलग बना रखा है, केमिस्ट्री का अलग बना रखा है, तो आप फिजिक्स के फोल्डर में फिजिक्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें इस वीडियो के एंड तक। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, वहाँ से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है पूरा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सर्किट के अंदर तीन रजिस्टर दे रखे हैं, एक रजिस्टर 0.5 और एक है 4 ओम और एक है 2 ओम। ये दोनों पैरेलल में है, इन पैरेलल के साथ ये किस में है, सीरीज में है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किया है इन्होंने, एक बैटरी ना देकर कितनी बैटरी दे रखी है, 2 बैटरी दे रखी है और दोनों बैटरी पैरेलल में लगा रखे हैं। तो बस यहाँ पे ये इसलिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चे को एडवांस पढ़ना चाहिए, कि मतलब एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि अभी तक हम जो बैटरी पढ़ते आए वो सिंगल बैटरी की बात करते चले आए, है ना। अब देखिए, अगर 2 बैटरी अगर आप या सेल, इसे ये सेल का है, ये बैटरी नहीं है, क्या है ये, सेल। तो अगर 2 सेल अगर आप सीरीज में लगाएंगे और 3-3 वोल्ट के हैं, ये कितने कितने वोल्ट के, 3-3, और टर्मिनल की पोलैरिटी सेम है, इधर प्लस है तो इसका भी प्लस होना चाहिए, तो टोटल बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो ऐड हो जाता है, कितना हो जाता है, 6 वोल्ट हो जाता है। और अगर यही आप किस में लगाएंगे, पैरेलल में, है ना, तो इसका जो कंबाइंड पोटेंशियल होगा वो उतना ही होगा जितना एक सेल का होगा। बस इतनी नॉलेज देना थी इस क्वेश्चन के अंदर, शायद आपके टीचर ने ये बात बताई हो नहीं, क्योंकि ये 11th 12th में आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए। आप 10th क्लास के बच्चे हैं कि सर अगर 2 बैटरी आ गई तो क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल आ सकती है, कोई इशू नहीं है, तो मैंने बता दिया है। अगर ये 3-3 वोल्ट की बैटरी सीरीज में कनेक्ट है, पोलैरिटी सेम है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, इसका इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अगर उल्टा हो गया, इसका इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर माइनस हो ये प्लस हो जाए, तो 3-3 0 वोल्ट हो जाएगा, कोई भी इसके अंदर से पोटेंशियल काम नहीं आने वाला है अगर ये उल्टा हो गया, है ना। लेकिन इसके अंदर पैरेलल में है तो कंबाइंड पोटेंशियल वही होगा जो एक सेल का होगा। अब इसके अंदर पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट इन 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलती है, तो करंट इधर से इधर चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो करंट जो भी आएगी वो सेम निकलती हुई आएगी यहाँ से, लेकिन यहाँ पर करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगी यहाँ पर करंट, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे सर्किट की करंट निकालेंगे। तो पूरे सर्किट की करंट कैसे, ये दोनों किस में, पैरेलल में है, 4 ओम, 2 ओम आर इन पैरेलल, तो पैरेलल का आप निकाल लीजिए, 1/R′ = 1/R1 + 1/R2, तो ये हो गया आपका 1/4 + 1/2। यहाँ पे एलसीएम ले लो 4, तो 1 + 2 = 4, तो ये हो गया 3/4, तो यहाँ से R′ कितना हो गया, सीधा करेंगे इसे तो 4/3 ओम, ये R′ हो गया, राइट। अब R′ और 0.5 ओम ये सीरीज में हो गए, ये किस में हो गए, सीरीज में, देखो, है ना। तो यहाँ से R = क्या आएगा, R′ + 0.5। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, 1.33 लिख सकते हैं इसे, बताइए, 1.33 लिख सकते हैं इसे, है ना, ये मत लिखो, बाद में लिख लेंगे इसे। तो देखिए, R′ की वैल्यू कितनी है, 4/3 + 0.5, तो R = 3, एलसीएम आ जाएगा तो 4 + 5 = 15, तो ये 5.5/3 आ गया रेजिस्टेंस, 4 और 1 5.5, ये रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो पूरे सर्किट की आप करंट भी बता सकते हैं, तो I = क्या होता है, V/R, तो V आपका 3 वोल्ट है और ये हो गया 5.5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 3 × 3 = 9/5.5, तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 90/55, 5 18 जा और 5 बन जा, तो I = कितने एम्पियर आएगा, 18 को डिवाइड करो 11 से, 11 बन जा 11,
पॉइंट लगाया, 11 सिक्स 66 4 बचेगा, 11 थ्री 33 7 11 सिक्स, तो 1.6 ये हटाकर एक राउंड ऑफ कर दो तो 1.64 एम्पियर पूरे सर्किट के अंदर करंट कितनी आ गई। अगर ये केस स्टडी बनेगा तो उसमें करंट पूछेगा तो करंट भी आप बता सकते हैं, करंट टोटल कितनी है 1.64 एम्पियर, राइट। अब इसकी करंट बताने के लिए इसमें पहले वोल्टेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस है ही तुम्हारे पास, तो यहाँ से आप करंट की वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन ये सीरीज में है ना, और सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है तो 3 वोल्ट तो आएगा नहीं यहाँ पर, तो इसके लिए इसका वोल्टेज अलग इसका वोल्टेज अलग, तो पहले हम वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस 0.5 ओम रजिस्टर निकालेंगे। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V डैश इज इक्वल टू आई आर, तो करंट कितनी है 1.64 इंटू रजिस्टेंस कितना है 0.5, आर डैश मतलब 0.5 ले लो, है ना, कितना हो गया V डैश इज इक्वल टू 5 × 20 16 × 85 और 82 1, 2, 3 के बाद लगेगा, तो ये लगभग कितने वोल्ट आ जाएगा 0.82 वोल्ट, ये इसका वोल्टेज आ गया। 4 × 5 = 20 दो बचे, 5 × 6 = 30 और 2 × 32 5 × 5 = 8 तो 0.82 वोल्ट। सो देयरफॉर रिमेनिंग वोल्टेज क्या आएगा, टोटल वोल्टेज में से वी डैश क्या कर दो माइनस, तो 3 में से 0.82 क्या कर दो माइनस, तो 3.00 और 0.82, तो ये 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेंगे और 1 बचेगा 2.18, तो V डबल डैश कितना आ जाएगा 2.18 वोल्ट। ये वोल्टेज जो है ना, ये वाला वोल्टेज, ये इन दोनों के अक्रॉस होगा, 4 ओम के भी अक्रॉस यही वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम रहता है, तो मेरे भाई ये चीज़ वोल्टेज इसके साथ सेम नहीं रहेगी, क्योंकि ये भी है ना, तो सीरीज में बढ़ता है, तो पहले इतना बढ़ गया, इसमें कितना बढ़ गया 0.82, जो बचा वो इन दोनों के लिए क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों किस में है पैरेलल में, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम रहता है। सो देयरफॉर लिख लेना करंट अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V कितना है 2.18, R कितना है 4, तो 4 × 20 है ना, और 4 × 16 और 4 × 5 इसे राउंड ऑफ कर लो तो 0.55 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी 0.55 एम्पियर। अब इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसके अक्रॉस करंट बताइए, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे आप, है ना, टोटल सर्किट में करंट कितनी है ये आपके पास आ ही गई है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो भी आपके पास आ गया है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।